चलिए आज लखनऊ का फेमस स्ट्रीट फूड कबाब पराठा बनाते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं तो आपने एक न एक बार कबाब पराठा ज़रूर खाया होगा, एंड आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनका टेस्ट ही इन्हें इतना फेमस बनाता है कि लखनऊ में हर कोई कबाब पराठा का दीवाना है। तो चलिए आज हम इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप सभी के साथ। हम सोया कबाब बनाएंगे आज, तो उसके लिए मैंने एक कटोरे में एक गिलास पानी बहुत ज़्यादा गर्म किया है, मीन्स लगभग बॉयल होने वाला पानी था तब तक मैंने उसे गर्म किया है। एंड उसमें हम डाल देंगे सोया बड़ी, दो पैकेट मैंने सोया बड़ी लिया है, एंड उसे हम डाल देंगे एंड इसे हम थोड़ी देर के लिए भिगा देंगे। पहले तो हम सोयाबीन को स्पून की हेल्प से इसे पानी में डिप कर देंगे जिससे वो अच्छे से भीग जाए। देन उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए हम रख देंगे भीगने के लिए। तब तक हम डो लगा के तैयार कर लेते हैं पराठा के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है एक छन्नी, हमें पहले आटे को छानना है। मैंने आधा कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है, उसे हम छान लेंगे जिससे उसमें बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं चोकर वो निकल जाएं उसके। देन उसके बाद मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी मैदा ले लिया है, इसे हम डाल देंगे एंड इसे भी हम छन्नी से छान लेंगे। आप चाहे तो केवल मैदा ले सकते हैं या केवल आटा ले सकते हैं गेहूं का, या दोनों को 50-50 के रेशियो में ले सकते हैं, या आप अपने हिसाब से आप जो भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने डाल दिया है 3 चम्मच दही, एंड दही के ऊपर डाल दिया है 1 चुटकी बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा को हम दही में मिक्स कर देंगे एंड थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसे एक्टिवेट होने के लिए। आप देख सकते हैं सोडा एक्टिवेट हो गया है, तो हम इसे स्पून की हेल्प से पूरे मैदे में मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब एक बार मिक्स हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल, एंड तेल को डालने के बाद हम हाथ से अच्छे से मसल मसल के पूरे आटे को गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा सा। जब तेल मिक्स हो जाए तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके डो लगा लेंगे, एंड डो ना ही बहुत ज़्यादा कड़क होगा एंड ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी होगी डो की। देन उसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है सोयाबड़ी, एंड इसे हम पानी डाल करके 2 से 3 बार पानी डाल करके धुल लेंगे, एंड इसका सारा पानी हम निचोड़ देंगे हाथ से दबा दबा के। आप देख सकते हैं काफ़ी सूखे हो गए हैं सोयाबड़ी को, उंगलियों से प्रेस करने पर इससे पानी नहीं निकल रहा है तो ये काफ़ी सूखे हो गए हैं। देन उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। मैं इसे मिक्सचर जार में डालूंगी एंड इसे दरदरा पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना है। देन मैंने 3/4 कटोरी भीगे हुए चने लिए हैं, उसमें डाले हैं 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, लाल मिर्च और एक हरी मिर्च डाल करके इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे, एंड इसको भी हम उसी मिक्सचर में डाल देंगे जो हमने सोयाबड़ी को पीस के रखा था। देन उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 3/4 स्पून, एंड 1/2 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर। उसके बाद डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एंड उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मिक्सचर को। इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें 2 चम्मच बेसन। बेसन को डालने से बाइंडिंग अच्छी होगी कबाब में, आप एक बार बेसन को डाल के मिक्स कर लीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो थोड़ा बेसन और डाल लीजिए आप इसमें। आप चाहें तो बेसन को भून के डालिए, मैंने ऐसे ही कच्चा बेसन डाल दिया है, आप एक बार भून लीजिए तब भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके डालिएगा बस। देख सकते हैं आप बाइंडिंग अच्छी होने लगी है इसमें, तो हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, मीन्स बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे। पहले इसे हम दोनों हथेलियों से गोल गोल कर लेंगे, देन इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे, एंड जो बगल बगल से फटे हुए होंगे उसे हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देंगे उंगलियों के हेल्प से। एक एक करके मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो मैंने एक पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, जब और तेल को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके कबाब को रख देंगे, एंड पहले हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे कबाब अंदर तक पक जाएँ। देख सकते हैं आप मैंने एक बार में 5 कबाब डाले हैं एंड इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाया है। जब थोड़े से नीचे से ब्राउन रेडिश ब्राउन होने लगेंगे तो हम कबाब को पलट देंगे एंड दूसरे साइड से पकने देंगे। अगर आपको लगता है कि पैन में तेल कम हो गया तो थोड़ा तेल और डाल दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं, मैं आटा एक बार और गूंथ लेती हूँ इसे। थोड़ा सा तेल लगा करके हाथ में आटे को गूंथ लीजिए।
3 से 4 मिनट के लिए गूंथ लीजिए। देन उसके बाद बोर्ड पे डाल दीजिए थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा। साइड बाय साइड अब आप कबाब को भी चेक करते रहिएगा जिससे वो जलने नहीं पाए, वरना नीचे से जलने लगेंगे कबाब, उसे पलट दीजिएगा अगर जल रहे हैं तो। तब तक हम बना लेते हैं पराठा कबाब के लिए। तो पराठे को हमें पतला बेलना है, साइड से तो बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए, बीच में अगर थोड़ा सा मोटा होता है तो भी चलेगा, बट ट्राई करिएगा कि मोटा नहीं हो पराठा। और बहुत ही ज़्यादा रुमाली रोटी जैसा भी नहीं बनाना है हमें। आप देख सकते हैं मेरा पराठा बन गया है एंड कबाब भी नीचे से तल गया है, तो हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे जिससे थोड़ा सा कबाब ऊपर से और पक जाए, क्रंची हो जाए। अगर आपको कबाब ऐसे ही खाना है तो थोड़ा हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा जिससे बाहर से वो क्रंची हो जाए, वरना आपके कबाब रेडी हैं। देख सकते हैं आप दोनों साइड से कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं एंड कबाब अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई किया है तो वो अंदर तक हीट पहुँच गई है एंड अच्छे से फ्राई हो गए हैं कबाब। उसके बाद मैंने डाल दिया है पराठा को तवे पर एंड दोनों साइड से पराठे को पहले हम पका लेंगे, फिर उसमें हम तेल डाल करके मीन्स तेल लगा करके पका लेंगे पराठे को उलट पुलट करके हम, जब तक कि ऐसे ब्राउन चित्तियाँ नहीं आने लगती हैं तब तक हम इसे पराठे को पका लेंगे। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्राउन चित्तियाँ आ गई हैं पराठे में एंड पराठा बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो हम पराठे को उतार लेंगे एंड कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम रख देंगे पोर्ट पे, उसमें हम लगा देंगे कबाब एंड कबाब को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पराठे में। आप चाहें तो पूरे में फैला दीजिए या तो इसे लंबा लंबा एक साइड से दूसरे साइड तक एज डायमीटर करके रख दीजिए। कबाब को रखने के बाद हम इसमें लगा देंगे हरी चटनी एंड उसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर की चटनी भी लगा सकते हैं या सॉस अगर आपको पसंद है तो लगा सकते हैं। मुझे सिर्फ हरी चटनी पसंद है, धनिया की हरी चटनी, तो मैंने उसी को ही लगाया है। एंड उसके बाद हम डाल देंगे रिंग प्याज की, मैंने रिंग्स काट रखी हैं, उसे हम डाल देंगे अच्छे से फैला देंगे। प्याज मुझे कबाब में बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। एंड उसमें डाल देंगे हम हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं उसे। एंड बन के तैयार है मेरा कबाब पराठा। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है, तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा इस पराठा को। आप चाहें तो कबाब को भी ऐसे चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। कबाब पराठा भी बनाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।